Hello friends, please subscribe my channel Knowledge Mall. हाय फ्रेंड्स, आज ये टेस्ट सीरीज की 20 वीडियो है, 20वीं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि सुधीर एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। रमेश की कार्य क्षमता सुधीर से 3/2 गुनी है। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये एक सुधीर है, इसमें एक दिनेश और एक रमेश, तीन लोग हैं। सुधीर का पता है 4 दिन में करता है, दिनेश का पता है 6 दिन में करता है, बट रमेश का पता नहीं है कि वह कितने दिनों में काम को करता है। तो जब तीनों का एग्जैक्ट मान मालूम हो जाएगा कि कितने दिनों में करते हैं, तभी हम इन तीनों से मिलकर काम को करवा सकते हैं। तो आइए, कहा गया कि रमेश सुधीर से 3/2 गुनी है। क्या क्षमता? रमेश की कार्य क्षमता सुधीर से 3/2 गुनी है। तो जब भी बटे वाला कुछ भी आ जाए तो आप जिससे तुलना किया जाए उसको एक ऐसा डिजिट मानिए जो इस नीचे वाले से कट जाए। तो हम 2 ही रख लेते हैं। मान लेते हैं कि सुधीर का क्षमता 2x, तो रमेश के बारे में क्या कहा गया कि सुधीर से 3/2 गुनी, यानी कि 2x का 3/2 गुना करेंगे तो 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। बट ये हमारा है क्षमता, क्षमता का जब अपोजिट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा समय, यानी इसे लगेगा 2x और इसे लगेगा 3x, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इससे पता करना होगा पहले कि रमेश कितने दिन में काम को करता है। तो सुधीर का दिया है कितना, 3x, और सुधीर का दिया है कितना, 4 दिन। तो x का मान हमारा कितना निकल गया, 4/3। इस तरह से रमेश का अगर निकालेंगे तो रमेश करता है कितना, 2x डे में या मिनट घंटा जो भी है, तो 2 × 4/3 एक्स का मान पुट करेंगे, यानी 8/3 समय लगता है इसको काम करने में। अब सुधीर का मालूम है 4 दिन, दिनेश का मालूम है 6 दिन, रमेश का मालूम है 8/3 दिन में काम को करता है। तो जब तीनों से मिलके करवाएंगे तो हम इसका उल्टा कर देते हैं काम, 1/4 + 1/6 + 3/8 = LCM लेंगे, 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 19/24। अब ये हो गया हमारा काम, काम का उल्टा हम कर देंगे क्या निकल जाएगा, समय। तो अब इसे पूर्णांक में लाएंगे तो 1 पूर्णांक 5/19 दिन, यानी कि तीनों मिलके काम को करेगा तो 1 पूर्णांक 5/19 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 मीटर और 140 मीटर दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथ पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगा। देखिए, ये है समांतर रेल पटरी, एक का कहता है दोनों विपरीत, यानी एक इधर से जा रहा है और एक इधर से, ये एक जा रहा है 77 किलोमीटर पर आवर और एक है 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक की दूरी है जो ट्रेन की 160 और एक की है 140 और दोनों विपरीत दिशा में। तो दूरी क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, और चाल के बारे में क्या होता है, जब विपरीत होगा तो जुटेगा और अगर समान दिशा में रहेगा तो हमारा घट जाएगा, यानी कि चाल हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 77 और प्लस 67, इसे हम ऐड कर देंगे 144, और दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 160 + 140, इसे हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 किलोमीटर, 4 आ गया इतना किलोमीटर पर आवर। अब निकालना है कितने समय में पार करेगी, तो समय कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है हमारा, चाल। दूरी 300 और बटे कितना हो जाएगा, चाल, चाल हो जाएगा 144। अब दूरी बटे चाल हो गया 300 / 144, लेकिन ये जो हमारा है
ये सॉरी दूरी क्या है हमारा मीटर में, ये दूरी मीटर में है और ये दिया गया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन जितने भी हैं हमारे सेकंड में, तो सबसे पहले चाल को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए 5/18 से क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे काट दीजिए तो 8 बार में कट जाएगा यानी कि हो जाएगा हमारा 300/40। इसे आप काट दीजिए तो पूर्णांक में जब आएगा तो ये 7/2, इसे काट दीजिए तो यानी हो जाएगा 7/1/2 सेकंड लगेगा इसे पार करने में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 परिणामों का औसत 20 तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो आइए 30 परिणामों का औसत है 20, तो टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा 600। फिर 20 परिणामों का औसत है 30, तो टोटल योग कितना हो जाएगा फिर 600, यानी टोटल हमारा हो गया 1200 और परिणाम कितने हो गए 30 परिणाम और 20 परिणाम यानी कि 50 हो गए। तो अब टोटल औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग अब बटे टोटल संख्या, इसे अगर हम काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा हमारा 24 टाइम में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो हमारे लिए यह इजी हो जाएगा क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो अब हम जब भी देख 5, ये क्या हो गया हमारा अगर P, ये है B, ये है H, तो हम H इक्वल टू यहाँ चेक कर लेंगे कि 5² + 12² = 13² होता है या नहीं। अगर ये फॉलो करता है तो हमारा समकोण त्रिभुज है, और जब आप इसे कीजिएगा तो ये कंप्लीट होता है यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो P इसका हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 12 और एच हो जाएगा ये हमारा 13। ठीक है, तो 13 है तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 × आधार, आधार कितना है ये 1/2 × आधार × ऊंचाई। ठीक है, मतलब h, सॉरी ऊंचाई का मतलब p, क्योंकि ये जो बनता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये हो गया p, ये हो गया हमारा b और ये h होता है कर्ण। ठीक है, तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा b, मैं इसे फिर से लिख देती हूँ 1/2 × आधार × ऊंचाई यानी कि P, यानी 1/2 हो जाएगा, आधार है इसका कितना 12, ऊंचाई है कितना हमारा 5। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, यानी आ गया हमारा आंसर कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि जैसे समकोण त्रिभुज के लिए आपको इतना जो चेक करना पड़ता है तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी कि जैसे अगर रहे आपका एक भुजा 3, 4 तो तीसरा याद रखिए 5 ही होगा, तो 3, 4, 5 अगर जहां भी नजर आए दैट मीन्स कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तीसरा 6, 8 और 10, 5, 12, 13, 10, 24 और 26, ठीक है, 7, 24 और 25, फिर है 8, 15 और 17, फिर है आपका 20, 21 और 29, 9, 40 और 41। ये जितने भी हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आप अगर इतना याद कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 तो तीसरी, तो अगर आपको 3, 4, 5 याद है तो इसमें से कोई दो भुजा अगर आपके पास दिया गया है तो तीसरा आप बिना सॉल्व किए से निकाल सकते हो। तो इसमें ज्यादातर पूछे जाने वाले जो है ये और एक ये ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सारे थोड़ा ज्यादातर पूछे जाते हैं, और ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, आप बहुत इजीली याद कर सकते हो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 40, 41, आप इससे याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्यकुशलता बी से दोगुनी तथा बी की कार्यकुशलता सी से दोगुनी है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए ए है और बी दिया गया है, ठीक है, ए की कार्यकुशलता बी से
दोगुनी है, यानी कि अगर ये x काम करता है तो ये करेगा 2x काम, बट ये हो गया हमारा क्षमता। क्षमता का उल्टा अगर समय ये दोनों अगर लेगा तो ये x टाइम लेगा और ये 2x टाइम लेगा। कहता है a और b मिलकर 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो x का मान हम इससे निकाल लेते हैं, a और b से काम करवाएंगे तो उसे टाइम लगेगा x इंटू 2x बटे x प्लस 2x, यानी कि x इंटू 2x बाय 3x। इसे हम काटेंगे तो हमारा, और हाँ जिनका जो मान दिया गया है कितना 4 दिन, तो इक्वल टू हम इसे 4 लिखेंगे, इसे काट दीजिए दो बार में, x का मान कितना आ गया हमारा 6, यानी a करेगा तो 6 डेज लेगा और b करेगा तो 12 डेज लेगा। अब बात आ जाइए अब सेकंड लाइन में कि b की कार्यकुशलता c से दोगुनी है, b की कार्यकुशलता c से दोगुनी है। आप x मान चुके, आप इसे y मानिए कि y, अगर c का y है, b की कार्यकुशलता c से दोगुनी, तो इसका 2y हो जाएगा। ये है हमारा क्षमता, क्षमता का अपोजिट क्या होता है समय, यानी कि y और 2y, ठीक है। अब इसमें से आप दो, इन दोनों में से किसका मान मालूम है आपको, b का मान मालूम है, तो b का मान मालूम है तो b का कितना कम है 12, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, y इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो c का मान क्या है 2y, यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि 24। तो C कितने दिनों में अकेला उस काम को कर सकता है, तो 24 डेज में, डेज हो या मतलब आवर हो आप जो भी है, तो 24 टाइम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अष्टभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग, अगर आप अष्टभुज बनाते हैं, ये हो गया हमारा अष्टभुज। अगर कोण आप बनाते हैं त्रिभुज, तो देखिए कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बना। एक त्रिभुज होता है 180 डिग्री का, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1080 डिग्री। बट ये इस तरह से बनाना थोड़ा मुश्किल है, ये तो अष्टभुज की बात थी, तो मतलब इस तरीके से बना के आप कर सकते हैं, बट अगर 12 भुजा दे देगा, 16 भुजा दे देगा, तो थोड़ा निकालना मुश्किल है, फिगर बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसे हम बनाते हैं, जितनी भुजा की पूछा जाए कि इतने भुजों के, भुजा का सभी कोण का योग क्या होगा, तो जितना भुजा का कहा जाए उसमें से आप 2 माइनस करके उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 भुजा था, 8 में से 2 माइनस कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 से गुना करेंगे 180 डिग्री में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1080। अब यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इससे रिलेटेड अब आपको जितने भी भुजा का पूछा जाए कौन, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।